लोगों ने उन्हें पकड़ा हुआ है, यहाँ से ले जाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। बाकी कार्यकर्ताओं को पुलिस डिटेन कर रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की जो हालत है वो इस प्रोटेस्ट के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ से, और लगातार कार्यकर्ता आपस में बोल रहे हैं कि थोड़ी हवा आने दीजिए, लेकिन घेरा पूरा बंधा हुआ है उनके आसपास। और ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, देखिए आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेस्ट जो है वो, और जैसे ही बैरिकेड के बाद, जैसे ही वाटर कैनन को रोका गया, जब रेल सचदेवा बैरिकेड से गिरते हुए दिखे, और कुछ लोग जरूर नीचे थे, पर उसके बाद की क्या स्थिति है वही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए, मैं कोशिश करती हूँ कि जो आगे इनके साथ लोग हैं वो समझा पाए कि स्थिति क्या हुई है, हुआ यहाँ देखे लगातार लोगों को हटने के लिए बोला जा रहा है, हुआ हाँ यहाँ पर दिख रहे हैं कंधों के बल यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बोल रहे थे। हाँ मेरे सामने देखिए काफी लंबा संघर्ष चलने की वजह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी होश में नहीं है इस समय। ठीक है, देखिए गाड़ी पे लेके जा रहे हैं उन्हें, यहाँ से लेकर जा रहे हैं, यहाँ आप देखें कि गाड़ी में उन्हें अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तमाम लोग जो आए थे उनकी गाड़ी को यहाँ बुला लिया गया है, बेहोश हो गए थे ये दावा कर रहे हैं उनके साथी कार्यकर्ता। जिस तरीके से वाटर कैनन की लगातार बौछारें पड़ी उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा बेहोश हो गए, ये दावा कर रहे हैं उनके साथी कार्यकर्ता। यहाँ पर हमने उनको लोगों की मदद से गाड़ी तक लाते हुए की तस्वीरें आपको दिखाई, गाड़ी में उनको फिलहाल अंदर किया जा रहा है, और ये तमाम प्रदर्शनकारी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आनंद, इस तरीके की तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी जब आईटीओ के पास ये प्रोटेस्ट बीजेपी ने किया था, तब भी इसी तरीके का वाटर कैनन जो था वो चलाया गया था, लेकिन आज उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, और कार्यकर्ता लगातार डटे हुए नजर आ रहे थे। वीरेंद्र सचदेवा की गाड़ी फिलहाल यहाँ से मूव करती हुई, यहाँ से निकलती हुई, और इसी के साथ ये प्रदर्शन भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे देते। जी, वहाँ पर शाजिया आलमी मौजूद थी, आरपी सिंह मौजूद थे, वीरेंद्र सचदेव वहाँ पर खड़े हुए दिख रहे, वीरेंद्र सचदेवा वहाँ पर अब उनको गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वो तस्वीरें थोड़ी देर पहले से जहाँ न्यूज 18 इंडिया के कैमरा पर, ये अभी की लाइव तस्वीरें हैं। देखिए उनको उनकी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाया जा रहा है, क्योंकि पानी की बौछारें इतनी तेज थी, उसका फोर्स इतना तीव्र था कि उनके नाक के थ्रू उनके फेफड़ों में शायद पानी चला गया और वो थोड़ा बेहोश हो गए हैं, और इतना तीव्र उस पानी का फोर्स होता है कि शरीर पर भी आघात लगता है। कई सारे आप देख सकते हैं कार्यकर्ता उसके फोर्स को झेल नहीं पाए और गिर गए बैरिकेड से, और फिर पीछे छुपते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग की ही आड़ में की आड़ लेते हुए नजर आए। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हैं उनकी गाड़ी के अंदर, क्या वो होश में है वीरेंद्र सचदेवा? प्रियंका देखिए यहाँ से गाड़ी मूव कर दी है, जितना मैं देख पाई इस भीड़ के बीच में उनकी आंखें बंद थी, उनके साथी कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि वो बेहोश हो गए। अब देखिए पुलिस का मैं यहाँ पर आपको पूरा वो जमावड़ा दिखा रही हूँ, पुलिस अब इस पूरी रोड को खाली करवा रही है, जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, और लगातार आईटीओ की रेड लाइट तक, क्योंकि इस पूरे रास्ते को इस प्रोटेस्ट के चलते ब्लॉक किया गया था, उसे खोलने की तैयारियां यहाँ पर हो रही है। लगातार वाटर कैनन का जो आज पानी की जो बौछारें लगातार पड़ी हैं, उसका असर जो उनके साथी कार्यकर्ता जो उनके साथ बैरिकेड पर चढ़े थे वो कह रहे हैं उसका असर हुआ है, क्योंकि पानी के फ्लो से दो बार हमने उनको गिरते हुए देखा, तीसरी बार जब वो गिरे हैं उसके बाद बेहोश हो गए, जिसके बाद उनके तमाम साथी कार्यकर्ता उनको यहाँ से उनकी गाड़ी में बैठाकर लेकर गए हैं, और फिलहाल पुलिस जो है वो जो सुरक्षा बल उनके साथ यहाँ से पूरी रोड को खाली कराने की कोशिश कर रही है, ताकि आम कम्यूटर्स के लिए इन सड़कों को खोला जा सके। ये मामला बीजेपी के लिए अब बहुत बड़ा है, क्योंकि एक उत्साहवर्धक उनके लिए कल जो पॉइंट रहा, जिस तरीके से कोर्ट ने इस बात को कहा कि प्राइम फेसी में, और जिस तरीके से कल कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर की बात हो या सीएम को प्रिविलेज की बात हो, उन सभी चीजों में दोषी है। मेरे साथ यहाँ पर प्रवक्ता भी मौजूद है, सर किस तरीके का पूरा प्रोटेस्ट रहा, क्या मांग रहे आपके अध्यक्ष, तो लग रहा बेहोश हो गए। देखिए ये संघर्ष है, हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ जो अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है, वो धोखा इतना बड़ा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए।
आप किस आधार पे मुख्यमंत्री एक सिटिंग भारतीय राजनीति में, इससे बड़ा कोई काला अध्याय नहीं हो सकता है जो सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठ के अपने कार्य कर रहा है। आप लीगल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम लोअर अदालत से उच्च अदालत तक जा रहे हैं, लेकिन आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ी गिरावट है उसका मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं, शराब घोटाले के अपराधी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तो इस्तीफा देना चाहिए कि मांग को यहाँ दोहरा रहे हैं। और ये फिर तस्वीरें मैं आपको आनंद दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया था, और उसके बावजूद एक बैरिकेड तोड़कर दूसरे बैरिकेड तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर लगातार तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा का शायद समय रहा होगा जब लगातार इस तरीके से वाटर कैनन चले। इससे पहले भी हमने कई प्रोटेस्ट कवर किए हैं जहां पर वाटर कैनन की बौछार हुई है, लेकिन एक ब्रेक ले लेके वो किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम बैरिकेड पे चढ़ा हुआ था और उसके बाद वो बैरिकेड पे ही बैठ गए, तो बड़ी उनके लिए मुश्किल रही, और लगातार पानी की बौछारों के साथ उनको उतारने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया प्रियंका, क्योंकि वहां मंच पर भाषण देती हुई शाजिया एलवी दिखी थी, आपके फ्रेम पर सरदार आरपी सिंह दिखे थे, कुछ और भी दिल्ली के नेता बीजेपी के नेता वहां दिखे थे, उनमें से क्या कोई अभी आपके आसपास है और उनमें से कितनों को डिटेन किया गया है? मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये 3 बसें जो थी, इनमें से जो पहली बस नजर आ रही है उसमें कार्यकर्ताओं को भरा गया है। बाकी तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो मैक्सिमम कार्यकर्ता थे, वो वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ आगे आगे, इसलिए इनको डिस्पर्स करने का काम यहां पर किया जा रहा है। लेकिन गाड़ी के अंदर आरपी सिंह की मौजूदगी नहीं थी, जो डिटेन की गई गाड़ी है, ना शाजिया इलमी वहां पर नजर आई। इन तमाम लोगों ने मंच जरूर शेयर किया, लेकिन कार्यकर्ता जो खासतौर पर जो जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, वो तमाम हमें पहली गाड़ी पर यहाँ पर मौजूद नजर आए। और अभी भी कार्यकर्ता बिना वोट नहीं दिए, उन्होंने पानी चला दिया। मैं अध्यक्ष जी के साथ ऊपर बैरिकेड पर उपस्थित था, लेकिन बिना वार्निंग दिए पुलिस प्रशासन ने जैसे ही पानी चलाया तो वो अध्यक्ष जी के कान पे लगा और आंख पे लगा, जिसमें अध्यक्ष जी इंजर्ड हुए हैं, वो बेहोश हो गए हैं, जिनमें अभी कहां लेकर गए उनको, आरएमएल हॉस्पिटल अभी उनको लेके गए हैं। और अध्यक्ष जी का संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता। काफी देर तक तो खड़े थे अध्यक्ष जी, हमने देखा, अध्यक्ष जी और मैं साथ में खड़े थे वहां पे ऊपर, लेकिन जैसे ही पानी चला तो पानी उनके कान पे और आंख पे लगा, जैसे ही वो नीचे गिरे बैरिकेड से तो उन्हें कार्यकर्ताओं ने संभाला, लेकिन वो बेहोश हो गए। और बेहोशी की हालत में हम हजारों कार्यकर्ता, उनको सैकड़ों कार्यकर्ता वहां से यहाँ वहां से लेके गए। अब उनको हमने पर्सनल गाड़ी से आरएमएल हॉस्पिटल भेजा है, और अध्यक्ष जी का संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता, जब तक शराब घोटाला केस रहेगा ना, और केजरीवाल जी का इस्तीफा नहीं ले लेंगे उनकी पार्टी, तो लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। आनंद तो ये जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बगल में ही खड़े थे और आंख पर और कान में पानी गया है, आंख उसके बाद वो बेहोश हो गए, जिसके बाद आरएमएल तक उनको लेकर जाया गया है। बाकी यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता तकरीबन छट गए हैं, और जो पुलिस है वो पूरी सड़क को यहाँ पर खुलवाने की कोशिश कर रही है। कल के हाईकोर्ट के बयान के बाद एक बार फिर ये हमने देखा है कि और तीव्र रूप से आपके पीछे क्या घट रहा है, लोग तस्वीरें किसकी ले रहे हैं प्रियंका, आपके पीछे क्या घट रहा है, लोग तस्वीरें किस चीज की ले रहे हैं, वहां देखिए आपके पीछे फिर एक जमावड़ा है, जरा आप यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनसे जो कार्यकर्ता हैं वो उलझ रहे हैं, और पुलिस वाले उन्हें यहाँ से जाने को कह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया क्या। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईमेल करिए, हम देखेंगे। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, शीघ्रस्त शीघ्र इसे सुना जाए, जब ये कहा गया तो कोर्ट की तरफ से कहा गया आप ईमेल भेजिए, हम इसे कंसीडर करेंगे, पर क्या पोस्ट लेंथ सेशन में इसे कंसीडर किया जाएगा? आज बुधवार है, आज